मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो खरीदे हुए जनादेश की और बिगर पैर की सरकार है। आज जब मंत्रिमंडल जिस दिन भी आएगा, सबको समझ में आएगा कि ये पूरे प्रदेश की नहीं, एक संभाग की सरकार रहेगी, जिसमें सिर्फ ग्वालियर चंबल के लोग रहेंगे, पहले जो थे वो भी रहेंगे और कई लोग और जुड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रदेश की सरकार चलाना चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि कैसे इनकी कुर्सी बची रहे, कैसे ये लोग जनता को शोषण करने के लिए सरकार बना के रखे, इनकी मंशा पूरे प्रदेश को एक साथ लेके कैसे चले, इसके लिए नहीं है। स्पष्ट रूप से बिगर पैर की सरकार किसी भी दिन गिर सकती है।